ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 25 अगस्त है, हमारी प्राण प्यारी अव्यक्त मूरत आदरणीय डॉक्टर प्रकाशमणि दादी जी का स्मृति दिन है। और इस स्मृति दिन के उपलक्ष्य में हम सब भी दादी को बहुत मिस कर रहे हैं। दादी जी ने जो भी हम सभी भाई बहनों को पालना दी है, साकार बाबा की पालना, वो बहुत याद आ रही है। और ऐसे ही दादी समान प्राग दिलपन, विशाल दिलपन, निमित्त भाव, निर्मल वाणी, निर्माण चित्त स्थिति से हम अपनी अवस्था बनाए रखें। और हम सभी ब्राह्मण परिवार आज दादी जी की स्मृति को नमन करते हैं और दादी जी से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज मीठे बाप दादा अपनी वाणी में शांति का महत्व बता रहे हैं। शांति हम आत्माओं का स्वधर्म है और बहुत बड़े आदमी जो होते हैं वो शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और जितना भी बोलते हैं वो शांति से बोलते हैं। तो आज पापा ने हमें हमारी मर्यादाएं भी बताई है। मीठे बच्चे, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? उत्तर है, जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की खस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी। एक तो सेफ रहेंगे, खुशी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना? वह है स्थूल पढ़ाई, ये है सूक्ष्म। तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। बाबा आए हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर रोमांच, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और न जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो। वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता। तुमको भी जब देवता बनना है तो टॉकी से बदल साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वालों के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर अटेंशन है। जबकि तुमको शांति धाम जाना है तो बोलना भी बहुत आहिस्ते हैं। अहिस्ते बोलते बोलते शांति धाम चले जाना है। जितना तुम शांति में रहते हो उतना ही शांति फैलाते हो पूरे वायुमंडल में। तुमको बहुत शांत में रहना चाहिए। आवाज से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं। बाप ने समझाया है, हियर नो इविल, स्टॉक नो इविल। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए। तो दोनों का मुख बंद हो जाए, बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुण को धारण करना है। कोई आवाज से बात करे तो बोलो शांत, आवाज मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं, सतयुग में शांति रहती है ना? मूल वतन में तो है ही शांति।
शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे परमधाम में। बाप बच्चों को श्रीमद तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं मीठे मीठे, बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, घर तो हमारा शांति धाम है, साइलेंस होम है, टॉकी से मूवी में आना है, फिर साइलेंस में चले जाएंगे, जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है, तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग किसी धूल में हैं। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठे भी लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है, तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो। सोमन याद दिलाते बाबा, तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर मेहर होनी चाहिए। मेहर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है, बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना, बेहद के बाप के पास तो है ही विश्व की बादशाही, जो हर 5000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं ना, उनको सभी प्यार करते हैं, कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। जो सेवा करता रहता है प्यार से, उसको बाकी की भाई बहने भी क्या कहते हैं, भाई ये सेवा बहुत अच्छा करता है, शांति में अपना अपना काम करता रहता है, प्यार से करता है, अच्छा करता है, टाइम पे करता है, तो सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की खस्तूरी मिलती है, वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शुभ याद है, शुभ याद है, इसमें खुशी भी होती है। याद दिलाने वाले को थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे, जितना याद में रहेंगे उतना ही खुशी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। अपने कैरेक्टर्स जरूर जरूर सुधारने हैं, बाबा अटेंशन दे रहे बच्चों को। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत बहुत मीठा है, खाली मीठा नहीं, बहुत बहुत मीठा है, कभी किसी को नाराज तो नहीं करते, ऐसा वातावरण कभी न हो जो कोई नाराज हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है। क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो, तुम्हें ये सारे मांडवे को रोशनी देनी है, तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। ये कहा सच्चे सच्चे पैगंबर हो, अभी बाबा कहते चैतन्य सितारे, कहाँ भी जाता है नक्षत्र देवता, अब वो सितारे कोई देवता तो है नहीं, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो, तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का होता है, आकाशगंगा में बाबा बोल रहे हैं, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है, तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल गई है तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है, तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की भी बहुत बहुत खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो, चिरंजीवी भव अर्थात बहुत जन्म जिए। बाप को याद करने से तुम आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, हम चिरंजीवी कैसे बने। बाबा को याद करने से तुम चिरंजीव बनते हो, ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ना आयुष्मान भव, बाप भी कहते बच्चे सदा जीते रहो ज्ञान मार्ग में। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा, सतयुग में मरने का नाम नहीं होता, यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना, तुम तो पुरुषार्थ कर ही रहे हो मरने के लिए, शरीर से डिटैच होते हैं। तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट बिलीवेड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत बहुत मीठा बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे हो,
सीखे थे बच्चों, बाबा बहुत मीठा है ना, प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। हमें भी ऐसा ही बनाते, ये भी तुम जानते हो हम कितने मीठे कितने प्यारे थे, हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने तो खुद को पूछते रहे, ये भी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प कि हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अभी आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव, अब वह महादेव तो है नहीं, दुख तो बाप ही हरेंगे, दुख हर कर सुख देने वाला बाप ही है। आधा कल्प तुमने बहुत दुख देखे हैं, पांच विकारों की बीमारी बहुत बढ़ गई है, इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है, इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग 12 मास का खाता रखते हैं ना, बाबा भी समझाते हैं बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखो कितना कीचड़ा है, यह है ये नर्क, तो बाप को आना पड़ता है स्वर्ग को, नर्क जो नर्क है इस नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाबा बहुत उकीर से आते हैं, उकीर मन प्रेम से आते हैं, कोई भी सेवा करते हैं और ये यदि प्रेम से करते हैं तो जल्दी हो जाती है सेवा, बाबा भी आते हैं उकीर से माना प्रेम से, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, तो मैं कल्प कल्प तुम बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है, सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना, बाबा जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं ही वर्षा देता हूँ, बाबा ही वर्षा देते बच्चों को। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं की तरफ जाती है, भले यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व की मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को बाप को क्या करना है, निहाल करना है, सभी बाबा के बच्चे हैं ना। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है, बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना, संगम युग पर बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा, बाबा जैसी सेवा कोई भी नहीं कर सकता है। तुम बच्चे भी बाप का शोध तब करेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे, बेहद की सेवा, सेवा करने वाले को फल भी बहुत भारी मिलता है, बच्चों को नशा चढ़ता है, हम श्रीमत पर सारे विश्व को विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं, श्रीमत पर देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है भरो, अपना टाइम बर्बाद नहीं करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो, जो अचरित धारा